तो हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को इस वीडियो में कवर करेंगे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इसके अंदर भी वही सिंटेक्स है, बस अलग क्या होगा, एक इफ ब्लॉक के अंदर मल्टीपल इफ ब्लॉक को हम यूज कर सकते हैं, फिर उस इफ ब्लॉक के अंदर हम मल्टीपल ब्लॉक इफ यूज कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। नेस्टेड का मतलब होता है, जैसे कि आपने चिड़िया का नेस्ट देखा है, बर्ड्स का, वो कैसे एक दूसरे में गुथा रहता है, इसी टर्म से उसको भी लिया गया है कि नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर कई सारे इफ्स को हम यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स सेम होता है और जो प्रोग्राम चलने का एग्जीक्यूशन होता है, क्राइटेरिया, जो शरायत है, वो भी सेम होंगे। अगर ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि ये हमारा एक ब्लॉक है इफ का, ठीक है, ये हमारा इफ का एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर हम एक और इफ यूज कर सकते हैं। अभी इसका ब्लॉक है, देख रहे हैं, इसी इफ के अंदर हम एक और इफ यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा आपको जरूरत है। आप देख रहे हैं एक इफ के अंदर कई सारे इफ हैं। आप चाहें तो इसके नीचे भी एक और इफ यूज कर सकते हैं। तो ये है नेस्टेड इफ। अब हम प्रोग्राम करके आपको दिखाते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो यहां पर प्रोग्राम पहले से लिखे गए हैं, मैं थोड़ा सा इसमें प्रोग्रामिंग और ऐड कर रहा हूं। हमें नेस्टेड इफ यूज करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि किस टाइप का हमें इफ बनाना है, थोड़ा सा प्रोग्राम ये बड़ा होगा तब जाके नेस्टेड इफ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें प्लान करना होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूं। तो मेरे पास एक कोर्स है जिसको मैंने लिखना शुरू किया है फिर से। तो जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हो, पहले आप प्लान करो कि आप किस पे आपको कोड बनाना है, ठीक है। तो मैं एक कोडिंग कर रहा हूं नेस्टेड इफ को लेके, कि मैं यूजर से यूजर को मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा कि आप क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हो, आपको सेल करना है या प्रोडक्ट बाई करना है। तो सेल करने के लिए वो वन पे प्रेस करेगा, वन नंबर कोड डालेगा, और बाय करने के लिए टू नंबर कोड डालेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, इंटर योर कोड। अब यहां पर हमें कोड डालने को कह रहा है, इसी कोड को हमें उठाना है स्कैनफ की मदद से और डालना है किसी वेरिएबल में, क्योंकि वो कोड इंटीजर टाइप का होगा, तो हम यहां पर परसेंट डी यूज करेंगे और उसको असाइन करेंगे एड्रेस ऑपरेटर से ए में। ए नाम का कोई वेरिएबल बनाया नहीं है, तो यहां पर एक वेरिएबल भी बनाएंगे, इंट ए, एक वेरिएबल बन गया। अब यहां पर कौन सा कोड डालेगा, देखिए, बाय करने के लिए वन एंड सेल करने के लिए टू। अगर उसे बाय करना है कस्टमर को तो कोड डालेगा वन, और अगर सेल करना है तो कोड डालेगा टू, ठीक है। चलिए यहां हम इफ यूज करेंगे। अगर हमारा ए का वैल्यू वन के बराबर है तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, जहां पर एक और ऑप्शन प्रिंट होंगे, क्या, प्रिंट एफ। अब हम क्या करेंगे, वो कुछ बाय करना चाहता है, ठीक है, तो एक और मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, इंटर योर कोड फॉर बाय। यहां पर एक मैसेज डिस्प्ले कराया मैंने, वो मैसेज क्या है, फ्रूट्स के लिए वन डालेगा, वो सॉरी थ्री डालेगा। अगर उसे फ्रूट्स खरीदना है तो वो थ्री कोड डालेगा, अगर वेजिटेबल खरीदना है तो वो फोर डालेगा, ठीक है। यहां भी स्कैनफ की मदद से हम वैल्यू को उठाएंगे और डालेंगे इस बार बी में। बी एक वेरिएबल नहीं है तो उसको बना लेते हैं इंट बी, ठीक है। यहां पर एक और इफ यूज कर रहे हैं, किस लिए, b
बी इक्वल टू थ्री, अगर बी इक्वल टू थ्री है तो हमारा मैसेज क्या डिस्प्ले हो, यू योर चॉइस इज फ्रूट्स, एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए यूजर को आपका चॉइस क्या है। एल्स इफ, नहीं तो बी इक्वल टू फोर अगर है तो क्या होगा, एक डिस्प्ले कराएंगे मैसेज यूजर को, योर चॉइस इज वेजिटेबल। ठीक है, अगर यूजर कोई नंबर नहीं डालेगा तो हम उसको एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे इनवैलिड एंट्री। चलिए, ये हमारा एक इफ का ब्लॉक था जो हमें यहां पर हमने यूज करा है, इफ के अंदर इफ यूज करा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चॉइस है वो क्या है, एल्स इफ। एल्स इफ में क्या करेंगे, ए इक्वल टू टू, ये सेल के लिए है। यहां पर क्या होगा, हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले कराएंगे इंटर योर कोड फॉर सेल, बेचने के लिए वो कोड डालिए, कौन सा बेचने के लिए कोड है, टू। के बाद क्या होगा, जैसे वो डालेगा कोड हम उस कोड को उठाएंगे, परसेंट डी की मदद से हम परसेंट, उसके बाद हम एक वेरिएबल सी बनाएंगे और उसमें पुट करेंगे। सी कोई वेरिएबल नहीं है तो इसलिए हम यहां पर एक वेरिएबल भी बना लेंगे, हो गया। अब वो सेल करना चाहता है तो क्या सेल करना चाहता है, तो इफ अगर सी इक्वल टू यहां पर फोर तक हुआ है, फाइव अगर वो फाइव के बराबर है तो एक मैसेज उसको डिस्प्ले कराना है, योर चॉइस इज कार, वो कार सेल करना चाहता है। ठीक है, एल्स इफ सी इक्वल टू अगर सिक्स है योर चॉइस इज बाइक, वो बाइक सेल करना चाहता है। एल्स अगर कोई गलत कोड डाल रहा है, अगर कोई गलत कोड एंटर कर रहा है तो एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे इनवैलिड एंट्री, ये हमारा हो गया। लास्ट में एक और एल्स कराएंगे, कोड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मैंने प्रोग्राम बनाया और काफी लंबा कोड है, ये इफ एल्स लैडर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देख रहे हैं कोई इसमें एरर नहीं है, जीरो एरर है। देखिए मैं आपको एक बार कोड्स याद दिला रहा हूं, सबसे पहले यहां से प्रोग्राम चलना हमारा शुरू होगा, तो हमें यहां पर दो एंट्री देने हैं, अगर आपको बाई करना है तो उसके लिए वन, अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके लिए टू। तो अगर आप वन चूज करेंगे, वन कोड डालेंगे तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा यहां पे, देखिए इस इफ में जाएगा और ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा,
इसमें जो भी प्रोग्राम मैंने लिखे होंगे वो आपको एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे वन प्रेस करेंगे हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारा जो वैल्यू है ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। अगर टू डालेंगे तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो प्रोग्राम का कंट्रोल फिर यहां आएगा, चेक करेगा else if में कि हमारा यहां तो कहीं एंट्री नहीं है। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड else वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर ये भी हमारा गलत हो जाएगा तो लास्ट में क्या चलता है? else, जैसे आपको पता है, जैसा आपको पता है। उसके बाद जैसे हम कोड डालेंगे buy करने के लिए, तो अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहां पर मैंने एक और इफ लगाया है, नेस्टेड इफ। देखिए इसमें क्या है, एंट्री मारते ही यूजर को एक वैल्यू डिस्प्ले कराएगा, एक मैसेज, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कराएगा, इंटर कोड, इंटर योर कोड फॉर बाई। आप बाई करना चाहते हो वो तो एंट्री मार दिया आपने, पर क्या बाई करना चाहते हो? तो कोड 3 है वेजिटेबल के लिए, सॉरी फ्रूट के लिए, और 4 है वेजिटेबल के लिए। तो अगर हम 3 डालेंगे तो ये चॉइस इज फ्रूट, तो आप फ्रूट वाले लेन में जाएंगे, और आप 4 डालेंगे तो आप जाएंगे वेजिटेबल वाले लेन में। अगर आप 5 डालेंगे यहां पर तो इनवैलिड एंट्री बताएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रूट खरीदो या तो वेजिटेबल खरीदो। अगर आप नेक्स्ट ब्लॉक में चले जा रहे हो जहां आपको सेल करना है, तो यहां पर क्या है, यहां आपको 5 डालना है। किस लिए? अगर आपको कार सेल करना है, ठीक है, क्या आप करना चाह रहे हो, क्या सेल करना चाह रहे हो, तो 5 है कोड हमारा किस लिए, कार के लिए हमारा है 5, एंड बाइक के लिए है हमारा 6, याद रहे, ठीक है। अब इसको रन करा के एक बार देखते हैं। देखिए इंटरव्यू कोड, तो पहले हम चेक करेंगे हमको खरीदना है, तो खरीदने के लिए क्या है, 1। इंटरव्यू कोड फॉर बाई, क्या खरीदना है, तो याद रहे फ्रूट्स और वेजिटेबल दो ऑप्शन था, तो फ्रूट के लिए 3 है और वेजिटेबल के लिए 4 है, तो हम डालेंगे 4, हमें खाना है सब्जी, तो ये चॉइस इज वेजिटेबल, राइट। प्रोग्राम एग्जिट हो गया, फिर से चलाते हैं। इस बार हम चॉइस करेंगे सेल के लिए, तो सेल के लिए क्या है, 2। आप क्या सेल करना चाह रहे हो, तो मुझे बाइक सेल करना है, ठीक है, मुझे कार सेल नहीं करना है, तो उसके लिए कौन सा चॉइस है, ये चॉइस इज कार, यानी कि हमारा कार का चॉइस था 6, तो हमें 6 डालना है, तो बाइक सेल होगा। फिर से ट्राई करते हैं, 2 एंड 6, ये चॉइस इज बाइक, ठीक है। अब देखिए अगर हम इनवैलिड एंट्री डालते हैं, या तो चॉइस है सेल या तो चॉइस है बाई, हम डालते हैं 3, कोड डज नॉट एग्जिस्ट, ये मैंने गलत डाल दिया। चलिए इस बार सही डालते हैं, 1 है बाई करने के लिए, लेकिन इस बार हम डालेंगे कोड कोई और नंबर, 12 डालते हैं, इनवैलिड एंट्री, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये प्रोग्रामिंग का है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि नेस्टेड इफ में प्रोग्राम हुआ है। आप इस इफ के अंदर कई सारे इफ ब्लॉक यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, जैसा आपको प्रोग्रामिंग का नीड है उस हिसाब से कई सारे आप इफ, एल्स इफ, बहुत सारे चीज यूज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको बनाया है समझाने के लिए, वो भी बेसिक है। अगर रियली इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं आपके लिए फिर दूसरा भी ऑप्शन रखा हूं कि दूसरा मैं प्रोग्राम बना सकता हूं, ठीक है, और इजी समझाने के लिए, लेकिन मैं बहुत इजी मैंने यूज कराया। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो इस कोडिंग में तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं इसी पर एक दूसरा प्रोग्राम बनाऊंगा समझाने के लिए, लेकिन ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप इस कोड को पढ़िए, लिखिए और समझिए कि कैसे एक्चुअली वर्क कर रहा है। लेकिन नेस्टेड इफ समझने से पहले आपको इफ और इफ एल्स और इफ एल्स लेदर को अच्छे समझना होगा, तब जाके आपको नेस्टेड इफ समझ में आएगा। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे।